बोलिए श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए चंपेश्वर भगवान की, बोलिए बाबा राम सापीर की, बोलिए गरीबनाथ जी महाराज की, बोलिए खेमा बाबा की। आज आदरणीय बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के उम्मीदवार भाई उम्मेदा राम जी के इस नामांकन सभा में पधारे, मौजूद मेहमान मंच पर आसीन, अपने मायतों के तुल्य आदरणीय श्री हेमाराम जी, आदरणीय कर्नल सोनाराम जी, आदरणीय साले मोहम्मद जी, आदरणीय हरीश जी चौधरी, रूपाराम जी मेघवाल, मदन जी प्रजापत, पद्माराम जी मेघवाल, महेंद्र जी चौधरी, फतेह मोहम्मद जी, सुनील जी परियार, गफूर अहमद जी, गोपाल जी और मेरे सामने विराजमान बड़े बुजुर्गण और मेरे युवा साथियों, आज इस सभा के अंदर अपन सब लोग उम्मेदा राम जी को मजबूत करने के लिए आए हैं, किसान के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए आए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं सिर्फ आपको यह याद दिलाने के लिए, जब राजस्थान की राजधानी में इस दोरू की धरती का, इस मारवाड़ का, इस अपनाइत की भूमि का कोई लाल आता था और वो अपने आप को जब कभी कमजोर महसूस करता था तो यह आपका भाई अपनी टीम के योद्धाओं के साथ उसकी मदद करने के लिए हर जगह पहुंचता था। युवा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस विद्यालय परिवार में शिक्षा से संबंधित किसी काम के लिए मेरे या मेरे टीम के किसी साथी के पास आए तो क्या हम लोगों ने कभी जाति या धर्म पूछ के आप लोगों की मदद करी थी क्या? तो साथियों, कुछ दिन पहले मैं आदरणीय हेमाराम जी का एक वीडियो देख रहा था, बड़ा भावुक सा वीडियो था जिसके अंदर कुछ विशेष लोग उल्टा सीधा लिख रहे थे। साथियों, उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस लिखावट को देख के। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, आज आदरणीय हेमाराम जी का बेटा डॉक्टर वीरेंद्र जी भाई साहब होते तो वो इस बात का जवाब देते, लेकिन साथियों, आदरणीय हेमाराम जी को भरोसा दिलाना है कि हम सब वीरेंद्र हैं, हम सब आपके साथ हैं, आपको कभी भी आपके परिवार को, आपकी बेटी को हम भाई और बेटे की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों, हेमाराम जी वो व्यक्ति है, जब मैं छात्र नेता था, संघर्ष कर रहा था, आदरणीय साहब मंत्री बने थे, मेरे घर आके मुझे आशीर्वाद दिया था, मेरे माता पिता को आशीर्वाद दिया था, भरोसा दिलाया था कि आपके बेटे के साथ कभी अन्याय होगा तो मैं मदद करूंगा। साथियों, ये चुनाव उम्मेदा राम जी के साथ साथ इस बुढ़ापे में, इस उम्र में आदरणीय हेमाराम जी भी लड़ रहे हैं। आप सब लोगों को बड़ी सजगता से, समझदारी से इस चुनाव को लड़ना है। लोग अपने को भटकाने के सैकड़ों प्रयास करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं देश की राजधानी के दुख और दर्द के बारे में। जब किसान अन्नदाता देश की राजधानी में आंदोलन कर रहा था, किसके लिए? किसान की मजबूती के लिए।
मजबूर की मजबूती के लिए, उस 36 कौम के युवा साथी के भविष्य के लिए, सैकड़ों किसानों की शहादत ले ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी हठधर्मिता और इस देश के ऊपर जो सामंतवादी राज प्रधानमंत्री जी आप जो लाने का प्रयास कर रहे हो। आप हर जगह, मैं अभी आया था तो 4-5 किलोमीटर से जाम लगा हुआ था, तो पैदल दौड़ता हुआ आया था। मेरे साथ सैकड़ों जवान मजबूती से दौड़ भाग रहे थे। तो मेरे मन में एक सपना आया कि प्रधानमंत्री जी ने अग्निपथ योजना लाके इन युवा साथियों के सपनों की हत्या कर दी। साथियों, ये अपने सपनों के साथ, अपने साथ अत्याचार करेंगे, कब तक अपन सहन करेंगे? आप लोगों को जागना पड़ेगा, मजबूती से, समझदारी से लड़ना पड़ेगा। साथियों, आपको पता है कुछ दिन पहले उम्मेदाराम जी, हेमाराम जी, इन सब के सामने, हरीश जी के सामने काले झंडे लहरा रहे थे। उन झंडों का धुआं निकालने का टाइम आ गया है। साथियों, उन झंडों का धुआं नजर आना चाहिए, वोटों की ऐसी आंख लगानी है, वोटों की ताकत से ऐसी आंख लगानी है कि इनकी पीढ़ियां याद रखे कि जब जब आप किसान कौम के लाडले बेटे और बेटियों के साथ अन्याय करोगे। हम लड़ेंगे मजबूती से, हम भिड़ेंगे मजबूती से, और इस अन्याय को हारना पड़ेगा। आदरणीय उम्मेदाराम जी, अपने निजी खर्च से पिछले कई सालों से शिक्षा के संसाधनों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, जब ये व्यक्ति देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर जाके बैठेगा, तो ये बाड़मेर जैसलमेर के उन युवा साथियों की शिक्षा की मजबूती के लिए कितना काम करेगा, आपको सोचना चाहिए, आज विचार करना चाहिए कि ये टाइम है प्रत्येक व्यक्ति को उम्मीदवार बनकर इस चुनाव को लड़ने का। साथियों, आपको जीवन में, मेरी तो जीवन अभी शुरुआत हुई है। मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथ भी जब जब अन्याय हुआ, बाड़मेर और जैसलमेर का मेरा मजबूत योद्धा युवा साथी हमेशा मेरे साथ रहा, इसीलिए मैं कभी हारा नहीं। इसलिए आज भी आप लोगों को ये ठानना है कि अपन सबका स्वाभिमान, किसान कौम का, संपूर्ण 36 कौम का स्वाभिमान दांव पे लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को उम्मेदवार बेनीवाल बनके इस चुनाव को मजबूती से लड़ना है। मैं आदरणीय हेमाराम जी, इस उम्र में आपको इन युवा साथियों की फौज का जोश और जज्बा देखते हुए भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस चुनाव को हम मजबूती से लड़ेंगे। जहां भी टकराना पड़ेगा, हम पूरी मजबूती से टकराएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय, जय। धन्यवाद साथियों, राम राम।